आप सभी का स्वागत है सर्कैलेट में। दोस्तों BSEC को लेके बहुत ही बड़ी एक अपडेट आई है 14 तारीख के डेट में। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो BSEC की बहुत ही बड़ी गलती 14/4/2021 यहाँ पे लिख दिया है BSEC ने। 14/22 आज तो यहाँ पे BSEC ग्रेजुएशन लेवल का आया है, यहाँ पे 14/4/2021 यहाँ पे लिख दिया है BSEC ने। ये देखते कितनी बड़ी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। फिलहाल दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या इंटर लेवल से रिलेटेड एक अपडेट आया हुआ है। इसको डाउनलोड करके आप सबको दिखाते हैं और क्या यहाँ पे अपडेट आया हुआ है। तो जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पे एक हाई कोर्ट में केस चल रहा है, किसके विरुद्ध, तो ये दोस्तों आया है कि यहाँ पे CWJEE नंबर है रंजय कुमार सर्वे में अध्यक्ष बिहार ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पे 5/4 को पारित न्यायाधीश के आलोक में विज्ञापन संख्या प्रथम इंटरेस्ट संबंधित काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक मिसमैच वाले 187 अभ्यर्थियों को सूचना यहाँ पे दिया जा रहा है। कि जैसा कि दोस्तों फिर से यहाँ पे ये कहानी लिखा गया है कि 14,400 अभ्यर्थियों का यहाँ पे काउंसलिंग कराया गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे काउंसलिंग हुआ, 14,400 का बायोमेट्रिक मैच यहाँ पे लिया गया। उसके बाद अलग अलग तरह का स्क्रूटनी किया गया और बायोमेट्रिक मैच जो है 187 अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मैच में मिलान नहीं हो पाया। यहाँ पे उनके उनके विरुद्ध यहाँ पे आयोग ने SK पुरी थाना में यहाँ प्राथमिकी यहाँ पे दर्ज की थी। और बायोमेट्रिक मैच वाले 187 कैंडिडेट का ये है यहाँ पे अनुक्रमांक है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि उन सभी छात्रों ने हाई कोर्ट में केस किया था, यहाँ पे CWJEE इतना रंजय कुमार शर्मा में अदर्स एंड बिहार सरकार यहाँ पे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाद में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 5/4/2022 को न्यायाधीश पारित किया गया। पारित न्यायाधीश में यहाँ पे प्रसंग अंश, तो ये दोस्तों अंश है कि जो यहाँ पे हाई कोर्ट का एक यहाँ पे जो आया हुआ है, इन्होंने कहा कि थस यहाँ पे लिखा हुआ है कि थस फेडरेशनल क्लेम फॉर द सेलेक्शन वाज रिजेक्टेड, डिसीजन ऑफ रिजेक्शन हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द फेडरेशनल, देयर फॉर कमीशन इज यहाँ पे कमीशन इज हेयर बाय डायरेक्टेड टू कम्युनिकेट द डिसीजन टू द पेटिशनर विद इन 1 वीक। और यहाँ पे ऑन रिसीव ऑफ सच कम्युनिकेशन पेटिशनर आर परमिटेड टू फाइल यहाँ पे इंटर लोसिटरी एप्लीकेशन अमेंडिंग पेटिशन एंड ऑल्सो चैलेंजिंग द रिजेक्शन और रिलीज द मैटर। यहाँ पे 19/4 को फिर से यहाँ पे हियरिंग हुआ है। इसके बाद दोस्तों आयोग का यहाँ पे क्या कहना है ये देख लेते हैं कि बायोमेट्रिक यहाँ पे मिसमैच पर 187 कैंडिडेट के विरुद्ध SK पुरी थाना में विभिन्न तिथियों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और सभी कांडों को यहाँ पे अनुसंधान अंतर्गत है। और यहाँ पे अतः यहाँ पे समय विचारोपांत यहाँ पे विचार उपरांत निर्णय लिया गया कि सभी कैंडिडेट का अभ्यर्थी को रद्द करने के संबंध में कांडों के अनुसंधान के फलाफल पे अनुसार निर्णय लिया। तो ये दोस्तों यहाँ पे ये अपडेट आई हुई है। ये सभी दोस्तों बताते हुए कहा गया है कि उन जो भी हाई कोर्ट का केस आएगा उसके बाद दोस्तों फिर से इन सभी का यहाँ पे अभ्यर्थी जो है फिर से यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद ही उन सभी का रिजेक्शन होगा या नहीं होगा इस पर हम बाद में फैसला लेंगे। फिर से एक बार इनको मौका मिलना चाहिए, एक बार फिर से इन सभी को मौका मिलना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, फिर से इन सभी को एक बार मौका मिलना चाहिए? क्योंकि आयोग के बीच में बहुत सारी गलतियां तो देखने को यहाँ पे मिल ही रही है। बाकी दोस्तों आपके इसके बारे में क्या करना है, ये बिहार SSC ने यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 2021 यहाँ पे लिख दिया, कितनी मिसमैच यहाँ पे करता है बिहार SSC आप तो यहाँ पे देख ही रह सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या करना है इसके बारे में, फाइनल मेरिट तो आ नहीं रहा, काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे 7 साल से इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब।